चलो लाइटिंग पोर्टफोलियो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट, पिंट्रेस्ट पे जाओ। पिंट्रेस्ट पे अगर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अकाउंट बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाकर ना चीज़ों को देखो। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी ईमेल से मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने लॉगिन कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ढूंढो, जैसे मैं करता हूँ लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग में देखो, लाइटिंग में कुछ सीन दिखेगा। अब जैसे आपके पास अगर आपको लगता है कि अभी आप लोग स्टार्टिंग करते हो, आप छोटा सा ऐसे भी मॉडल बना सकते हो। इस मॉडल बनाने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, दीवार लगाना है या ऐसा फ्रेम लगाना है, फ्रेम में आपको कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे भी करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये भी काम करेगा, ठीक है। ये सब देखो, ये भी लाइटिंग का पार्ट है। छोटे छोटे सीन देखो यहाँ पे, छोटे छोटे सीन में जैसे स्टेयर्स बना दिया, वॉल पे यहाँ पर लाइट लगा दे, तो ये भी आपका काम करेगा यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ सीजी लाइटिंग, सीजी लाइटिंग जैसे ये सीन पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा सीन बनाने की कोशिश करो, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप इस सीन को अगर देखोगे, ऐसा सीन एक बार निकालो, जैसे ब्लॉक पे गए, ठीक है, सीजी सोसाइटी पे गए, और यहाँ पे इनके इनको देखो, स्टडी करो कि इन लोगों ने क्या दे रखा है, ठीक है। लाइट का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मॉडल टेक्सचर है, ठीक है। अगर आप एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट जा रहे हो तो आपको मॉडलिंग कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, लाइटिंग ही पूछेगा। तो आप इसको देख के भी तो आप फॉलो कर सकते हो, भाई ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, कि किस स्टेप से आप काम करो। ऐसे अगर बीच भी बनाना स्टार्ट करो, इंटीरियर बनाना स्टार्ट करो, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। मान लो एक बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डिले करो तो एक दिन लगेगा, ठीक है, 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे में आपका ये रेडी हो जाएगा। अगर बात करने जाओ तो देन ये चीज़ बहुत ईजी है। चेयर देखो, चेयर टेबल, ये सिंपल बॉक्सेस है, बुक्स हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर करो, मॉडल टेक्सचर का काम हो जाएगा, तो ये काम आपके यहाँ पे कर जाएगा, ठीक है। मैं कुछ रेफरेंसेज में कलेक्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइटिंग के लिए मैं अगर काम कर रहा हूँ तो, ठीक, लाइटिंग के लिए काम कर, ठीक है। यहाँ वापस आ जाओ, देखो यहाँ पे भी कच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, यहाँ पे सीन्स लो, छोटे छोटे सीन्स को पिक करोगे यहाँ पे, जो भी सीन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, उनको आपको पिक करना है और उसको आपको कोशिश करना है। पहले पहली कोशिश करो, अगर मॉडल मिल जाए, जिन लोगों को लगता है मॉडलिंग टेक्सचर में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, दूसरी कोशिश करो उसे बनाने की। देखो रूम बहुत सिंपल सा है, जो भी आर्टिस्ट है उस आर्टिस्ट को देखो, उसने पासिस में क्या क्या दे रखा है, पासिस आपको ध्यान रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। पासिस में जैसे ए ओ दे रखा है, की है, फिल है, ठीक है। यहाँ देखो एक लाइट इधर से देखा, एक लाइट इधर से, दो लाइटों को दे रखा है, उसको कैसे मिक्स किया हुआ है, स्काई का कैसे पार्ट दे रखा, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा देखने सीखने को मिलेगा क्या। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देखोगे यहाँ पे तो वही किस टाइप से काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये भी एक पार्ट है। तो अभी एक एक दो दो सीन को पकड़ो, कोई भी एक सीन है, देखो छोटा सा सीन है यहाँ पे, इस सीन को देखो, मूवीज़ के कोई सीन पिक कर सकते हो आप यहाँ पे, बाहर से लाइट कैसा आ रहा है, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट कैसा है, ठीक। लाइटिंग को समझने के लिए आप स्केचेस भी फॉलो कर सकते हो। देखो स्केच जो करते हैं ना, स्केच में क्या, तो वो भी लाइटिंग को देख के ही रहते हैं, भाई बार्स लाइट कैसे आ रही है, आप देखो डे और नाइट का आपको अब फंडा क्लियर हो रहा होगा, तो आप इन सब चीज़ों को तो सब देखोगे तो आपके पास काम आपका आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखा डे नाइट स्टडीज़ यहाँ पे देखा, इवन अगर हम लोग यहाँ पे आर्ट स्टेशन पे चले तो आर्ट स्टेशन पे भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, कि अगर आर्ट स्टेशन देखें यहाँ पे, ये आर्ट स्टेशन का इसमें डाल ही रखा है, लेकिन अगर आप आर्ट स्टेशन ऐसे लिंक ओपन करो तो वहाँ पे भी बहुत मिलेगा। सर्च करो लाइटिंग, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखो कि कैसे आपके पास क्या सीन है। लाइटिंग में देखोगे, अभी देखो आप लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीन को पिक करोगे। सीन को पिक करने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि अभी जैसे स्टार्टिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे दिखाना है, जैसे दुकान पर लाइटिंग स्टडीज दिखे यहाँ पर, लाइट को कैसे दिखाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैसे स्टेप्स दिखा रखा है, ये सीन कैसा है, ठीक है। यहाँ देखो ये अंदर का सीन कैसा है। अब जैसे ये सीन देखो, यही सीन आपको मिल जाएगा 3drender.com में। यहाँ पे देखो 3drender.com में ये एक सीन आपको मैं दिखाऊँ तो ये सीन इस टाइप से ही है, ठीक है। चाहो तो इस सीन को डाउनलोड करके आप इसमें भी आप लाइटिंग कैसे कुछ पार्ट ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे कैसे सीन को निकाल रहे हो, ठीक है।
लाइटिंग कैसे करो, लाइटिंग साथ यहाँ पे देख रहे हैं फ्रिक्शन किस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को देखना समझना। लाइटिंग साथ टेक्सचिंग का काम आप दिखा सकते हो कि भाई टेक्सचिंग में आपको क्या काम करना है। टेक्सचिंग देख रहे हैं कैसे आपका थोड़ा सा रस्ट डर्ट सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ों को हमेशा जो भी आप काम करोगे उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पुराना ही दिखाना है, नए पे ज़्यादा मत वो मत करना, ठीक है। देखो डेवन आर्ट करके भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन किया, देखो यहाँ पे लाइटिंग का देखो इम्पैक्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट है, ये लाइट का इम्पैक्ट किस टाइप से दे रखा है। ऐसे ऐसे अगर आप लोगों ने मुश्किल से 4 से 5 सीन अपने रेडी कर दिया तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं देखो कि आप नाइट मोड भी है यहाँ पे, आप लैंप लाइटिंग भी दिख रहा है, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट भी अलग से दिख रहा है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को वन बाय वन करके आपको प्रिपेयर करना है कि आप अगर कोई भी चीज़ देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करते हो कि आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे सीन्स को समझो, ठीक है। लाइटिंग का पार्ट कैसा होना चाहिए, देखो जो मार्केट में स्टूडियो में जो काम करते हैं वो उस टाइप से चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है कैसा है किस टाइप से वो रिसर्च कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट यहाँ देखो, यही चीज़ को एक अलग अलग वे में दिखाया समझाया गया है क्या कि भाई दिन में कैसा, सनसेट में, नाइट में किस टाइप से दिख रहा है। आप एक ही सीन को, एक सीन को पकड़ो, एक सीन को किस टाइप से दिखा सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पे आप सीन को ऐसा समझोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसा है क्या। देखो आप लाइटिंग का पार्ट, लाइटिंग का कलर, आप मिनिमम इन चीज़ों को फुलफिल करो कि हाँ मेरे पास एक सीन को मैं 2 से 3 मोड में मैं कन्वर्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैं देखो चीज़ों को पिक करो, यहाँ पे अभी यही सीन अगर मेरे को ऐसा सीन एक दिया हुआ है, अगर आप देखो तो ऐसा 3DRender.com में एक ऐसा इस टाइप नहीं, नॉट सिमिलर लेकिन हाँ काइंड ऑफ है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, तो ऐसे मॉडिफाई करके भी थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे इवन आप चीज़ों को जब जाओगे बनाने के लिए तो बनाने में भी आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो हमें बस लाइटिंग के कुछ ऐसे ऐसे पार्ट होने चाहिए कि हम लोग दिखा सकें यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि आपका सीन कैसा दिखा है, सीन के अलग अलग मोड ऑफ लाइटिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये जब तक आप ऐसा कुछ काम दिखाओगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं निकल के आने वाला। ये पार्ट है, हम लोगों ने ऐसे कुछ इमेजेस हम लोग जस्ट कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए काम आ सके यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप से आप चीज़ों को लाइक फुलफिल कर रहे हो, तो ये पहली प्लानिंग आपकी ही होनी चाहिए कि आप कोई भी काम करो तो आपका सीन कैसा है, ठीक है। रिसर्च करना पड़ेगा, बिना रिसर्च के आपको चीज़ नहीं मिलेगी। आर्ट स्टेशन पर जाकर देखो, सीधी सोसाइटी पर जाकर देखो, डेमिन आर्ट पर जाकर देखो, कई अच्छे अच्छे साइट्स हैं जहाँ पे लाइटिंग को बहुत अच्छे से समझा। देखो ये देखो कितना छोटा सीन है, यार देखो तो कुछ नहीं है लेकिन लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत कुछ है। उसने किस टाइप से चीज़ को दिखाया है, लाइट यहाँ से आ रहा है, शेडो कैसे जो लाइट का इम्पैक्ट है कैसे ग्रेजुअली कम हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सीन को भी पिक कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी बड़ी चीज़ को पिक करो, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना, स्टार्ट करके हाँ मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ड्रामेटिक सीन कैसा है, फॉग के साथ किस टाइप से लाइटिंग दे रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आपके पास अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीज़ें, सीन है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। और देन लाइटिंग, देखो लाइटिंग को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। आप लोग जब तक एक रेफरेंस को सामने लेके नहीं बैठोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आप से और डे नाइट सनसेट हम लोग बना लेंगे। ये देखो छोटा सा सीन है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको सिंपल सिंपल सीन्स को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ कि सिंपल सिंपल सीन में आप कैसे क्या काम कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपके पास चीज़ें क्या हैं। अभी देखो ये ऐसे कैसल मैंने चैनल पे डाल रखा है, इस टाइप के कैसल है, उसको भी आप लाइटिंग करके देखो तो इस टाइप का आप लाइटिंग कर सकते हो। तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस, आप रेफरेंस थोड़ा सा फॉलो करो कि देखो यहाँ पे रेफरेंस में आप किस टाइप से चीज़ को दिखा रहे हो, ठीक है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस में अगर आप ऐसे कुछ चीज़ को दिखा रहे हो तो यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड इम्पैक्ट दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, तो ऐसे आपको इसका होगा थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो इस टाइप से या इसके सिमिलर इसके आसपास भी अगर आप लोग आउटपुट लेके आते हो तो भी आप लोग के लिए लाइटिंग के जॉब के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये पार्ट आपका कैसे यहाँ पे देखेगा, देखो ऊपर कैसा है, नीचे कैसा, कलर
को कैसे मैनेज किया है यहाँ पे, देखो किस टाइप से इम्पैक्ट है यहाँ पे, दिख रहा है आपको नाइट का भी दोस्तों सीन का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो यहाँ पर वार्म एंड कूल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखो सिंपल सा सीन है यहाँ पे, आप इसे सिंपल बॉक्स वॉक्स लगा के बनाओगे तो बन जाएगा यहाँ पे। उसमें एक कोई भी सीमलेस टेक्स्ट उठा के डाल दो, टेक्स्ट उठा के डाल दो, हल्का सा बम्प या फिर नॉर्मल डाल दो उसके अंदर, तो ये सीन भी आप छोटे छोटे सीन को आप कर सकते हो क्या। देखो यहाँ पे छोटे छोटे सीन में किस टाइप से चीज़ को दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगर लाइटिंग की ही बात करें हम लोग, जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे ये लाइटिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें, उन लाइटिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वॉल पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, लाइट कैसा आ रहा है, जब डे लाइट होगा तो किस टाइप से आएगा। ऐसे देखो जहाँ पे बाहर से लाइटिंग इंटेंसिटी कितनी आ रही है यहाँ पे। देखो ये अभी इस मॉडल का बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा, बॉक्स 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 लिया, कॉपी कर दिया, स्टेयर लगा दिया, काम खत्म। आप इसे बनाना चाहो तो आप 1-2 घंटे में बना दोगे। सीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उस सीन को आपको रिप्रेजेंट करना, आपको माइंड में ही रहना चाहिए कि भाई मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ। तो जैसे रेफरेंस देखने से कितना आइडियाज मिल जाता है। देखो यहाँ पे अंदर की तरफ कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ कलर कौन सा होना चाहिए, आप जब ऐसे कोई चीज़ को देखोगे तो लाइट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या लाइटों का लाइट कितने इतने ही पार्ट में आ रहा है, ऐसे सॉफ्टनेस में जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो कि भाई एंगल क्या है, चाहिए क्या है। देखो मॉडल सिंपल, ये बेसिक सा मॉडल है, ये पार्ट ऐसे कर दिया यहाँ पे, स्टेयर लगा दिया, बेसिक सा पार्ट है, सिर्फ टेक्सचर और बेसिक सा मॉडल बनाने के बाद ये काम किया हुआ है। तो अगर आप इसको काम करने के लिए आप ऐसा कुछ रेडी कर रहे हो तो वो चीज़ें ऐसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज पे ले गए हो तो आपका लाइटिंग काम ईजी हो सकता है। यूट्यूब पे जाकर लाइटिंग के सोरियल्स भी देखो, विद पासिस भी देखो, ठीक है, तो वो भी आपको आइडिया मिलेगा। बाकी कुछ नहीं मिलता तो इस साइट पे जाके आपको मॉडल आपको डाउनलोड कर लेना है, आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पर।